जय हिंद। एक बार फिर से सभी का स्वागत है। क्लास 10th के वो सभी स्टूडेंट जिनके बोर्ड के पेपर कैंसिल हो गए थे, अब आप लोगों को ये बताया गया था कि एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन के बेसिस पे आप लोगों को मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और अगर आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाई ना हो तो आप लोगों को एक दोबारा से मौका दिया जाएगा एग्ज़ाम देने का, अगर आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं हो तो। वो जो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन है वो CBSE ने 1 मई को रिलीज़ कर दिया भैया, एक सर्कुलर में, एक 17 पेज का सर्कुलर उन्होंने बनाया जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे अब आप लोगों को मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो देखो, उस पूरा सर्कुलर मेरे पास है, शायद आप लोगों ने भी देख लिया होगा। तो देखो यार, इस सर्कुलर की जो मेन मुख्य जो बातें हैं ना, जो आप लोगों को मालूम होनी चाहिए, जो आपके काम की हैं, फटाफट से बेटे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो यार, ऐसा है, इस बार जो भी रिजल्ट आप लोगों को मिलेगा ये सब मिलने वाले हैं आप लोगों को आपके इंटरनल्स के बेसिस पे, जो आपके क्लास टेस्ट हुए हैं, जो आपके यूनिट टेस्ट हुए हैं पीरियोडिक, और जो आपके मिड टर्म हुए, प्री बोर्ड हुए हैं, इन सब के बेसिस पे ही आप लोगों को ये मार्क्स प्रोवाइड कराएंगे यार। तो देखो होता क्या है, हर स्कूल में देखो, क्योंकि जो डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर था वो डिफरेंट था, कुछ स्कूलों ने ऑनलाइन पेपर करवाया, कुछ ने ऑफलाइन पेपर करवाया, साथ साथ कुछ स्कूल तो ऐसे थे जहाँ पर बच्चे पेपर देने गए ही नहीं, पेपर हुए ही नहीं है, कुछ स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर एक भी पेपर नहीं हुआ। तो देखो, ऐसी सिचुएशन में CBSE के लिए मार्क्स आप लोगों को प्रोवाइड करना एक बहुत ही मुश्किल काम है, ठीक है। लेकिन CBSE फिर भी सर्कुलर में कह रही है भाई कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को एक रिलायबल रिजल्ट मिले, एक फेयर रिजल्ट मिले। अब मुझे तो नहीं लग रहा कि भैया फेयर कुछ रिजल्ट होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को, आपको क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। देखो यार, गवर्नमेंट ने, CBSE ने सभी स्कूलों को बोला है कि भैया तुम अपने स्कूल में 7 लोगों की एक कमेटी बनाओ, उन 7 लोगों में 5 तो तुम्हारे खुद के स्कूल के होंगे और 2 लोग तुम्हारे किसी नेबरिंग स्कूल के होंगे, किसी पड़ोसी स्कूल के होंगे, आसपास के किसी स्कूल के होंगे, ठीक है। अब ये जो 5 लोग होंगे, उन 5 लोगों में एक तुम्हारा मैथ्स का टीचर होगा, एक तुम्हारे सोशल साइंस के टीचर होंगे, एक तुम्हारे साइंस के भी टीचर होंगे, और बाकी 2 तुम्हारे लैंग्वेज टीचर होंगे, यानी कि हो सकता है हिंदी इंग्लिश के हो, किसी स्कूल में फ्रेंच होती है, किसी में पंजाबी होती है, तो लेकिन जो भी है 2 लैंग्वेज टीचर आप लोगों के होंगे, ठीक है। दूसरा, ये जो 2 टीचर हैं भैया, ये किसी पड़ोसी स्कूल के होंगे और वो भी क्लास 10th के होने चाहिए, वो भी टीचर, ठीक है। तो इन 7 लोगों के पास ही भैया पूरी पावर है कि आप लोगों को मार्क्स कैसे प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो देखो ऐसा है ना, आप लोगों को बोर्ड के पेपर में जो कुल मिला के 100 मार्क्स आप लोगों को मिलते थे बेटा, उस 100 में से जो आपके 20 मार्क्स होते थे वो होते थे आप लोगों के इंटरनल असेसमेंट के, सही बात है, इसके बेसिस पे आप लोगों को मार्क्स प्रोवाइड कराए जाते थे। बाकी जो आपके 80 मार्क्स थे वो मिलते थे आप लोगों को आपके बोर्ड एग्जाम के बेसिस पे। अब देखो ऐसे है ना, ये जो 20 नंबर जो आपके इंटरनल असेसमेंट है, इसमें आपके क्लास में 3 यूनिट टेस्ट होते थे जिसमें से 2 बेस्ट का एवरेज लगता था, साथ में आपकी फाइल्स बनती थी, आपका एक प्रैक्टिकल होता था, आपका एक ओरल वाइवा हुआ करता था। तो इन सब के बेसिस पे जो टीचर हैं वो आप लोगों को 20 नंबर प्रोवाइड करते थे, और ये 20 नंबर कुल मिलाकर ना स्कूल के हाथों में होते थे। तो देखो, अगर आपके स्कूल में इंटरनल असेसमेंट अगर आपके हो रखे हैं तो आपके स्कूल वाले अब तक इन 20 नंबर को CBSE के पास पहुंचा चुके होंगे, CBSE की वेबसाइट में ये मार्क्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके होंगे, ठीक है। लेकिन अगर अभी तक ये अपलोड अगर नहीं हुए हैं तो फिर भैया CBSE ने बोल रखा है कि भैया अगर तुमने इन मार्क्स को अभी तक अपलोड नहीं किया है तो 11 जून 2021 तक भैया तुम इन मार्क्स को अपलोड CBSE के पास कर सकते हो, ठीक है। तो यानी कि 11 जून तक तो भैया आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि 11 जून तक भैया डेट दे रखी है सभी स्कूलों की कि भैया आप अपने इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स को CBSE के पास प्रोवाइड कराओ। अगर प्रोवाइड करा दिए हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं करवाएं तो भैया जल्दी से करवा दो। दूसरा, ये जो 80 मार्क्स आप लोगों के हैं भाई, जो बोर्ड के बेसिस पे मिलते थे, अब बोर्ड का पेपर तो हुआ नहीं है, तो देखो ऐसा है ना, इस 80 मार्क्स में से आप समझ लो कि भैया आपके जो 10 नंबर हैं, 10 नंबर वो आपको मिलेंगे आपके यूनिट टेस्ट के बेसिस पे, आपके जितने भी पीरियोडिक क्लास में हुए हैं ना उनके बेसिस पे आप लोगों को मिलेंगे। रही बात 30 नंबर की, तो ये जो 30 नंबर है बेटा, ये जो आपका मिड टर्म हुआ है बेटा, मिड टर्म जो आपके मिड टर्म एग्ज़ाम हुए हैं उनके बेसिस पे आपको मिलेंगे 30 मार्क्स। दूसरा, जो आपका प्री बोर्ड हुआ है भैया, प्री बोर्ड, उस प्री बोर्ड के बेसिस पे आप लोगों को मिलेंगे 40 मार्क्स। तो ये भैया CBSE ने कहा है कि जो 80 नंबर का बोर्ड के पेपर तुम्हारा होना चाहिए था जो कि नहीं हुआ, उस 80 नंबर को अब हम इस फॉर्मूले के बेसिस पे देंगे, 10 नंबर यूनिट टेस्ट के, 30 नंबर मिड टर्म के, 40 नंबर प्री बोर्ड के। तो भैया ये बातें आप लोगों को मालूम होनी चाहिए थी। अब देखो, पूरे साल भर तुम लोगों के यूनिट टेस्ट भी होंगे, मिड टर्म भी होंगे, प्री बोर्ड भी हुए होंगे, ठीक है। अगर अच्छे हुए हैं तो बहुत बढ़िया बात है भैया, और अगर नहीं हुए हैं तो ठीक है भैया, स्कूल कमेटी से, जो रिजल्ट कमेटी है उनसे कॉन्टेक्ट करना शुरू कर दो, ठीक है। अब देखो ऐसा है ना, अगर पूरे साल भर में तुम्हारा स्कूल में एक ही टेस्ट हुआ है तो ठीक है, 10 में से कितने नंबर तुम्हारे आए हैं वो यहाँ तुम्हारे लग जाएंगे। मान लो 10 में से तुम्हारे 7 नंबर आए तो यहाँ लगा दो, 10 में से 10 आए तो लगा दो भैया, ठीक है।
कुछ स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने एक से ज़्यादा टेस्ट लिए हैं, हो सकता है कुछ स्कूलों में तीन टेस्ट हुए हों, ठीक है, मान लो तुम्हारे तीन टेस्ट हुए, एक में तुम्हारे नंबर आए 9, एक में आए 8, एक में आए 6, तो भैया अब वो जो रिजल्ट कमेटी बनी है ना 7 लोगों की, उनके द्वारा डिसीजन लिया जाएगा कि इन तीनों में से कौन से मार्क्स तुम्हारे लगेंगे। हो सकता है कि वो तुम्हारे बेस्ट सब्जेक्ट वाले, बेस्ट मार्क्स वाले, बेस्ट परफॉर्मेंस वाले टेस्ट के ही मार्क्स लगा दें, या फिर हो सकता है इन तीनों का एवरेज लगा दें, या फिर हो सकता है इन तीन में से दो जो बेस्ट थे उनका एवरेज लगा दें। तो ये पूरी पावर जो है उस कमेटी के पास में है, ठीक है। दूसरा, मिड टर्म भी आप लोगों का हुआ है यार, ठीक है, अगर हुआ है तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है, तो उसमें तो 30 मार्क्स आप लोगों को मिलने ही हैं। कुछ स्कूल ऐसे हैं जिसमें प्री बोर्ड भी भैया एक बार भी हुए हैं, कुछ स्कूल ऐसे हैं जिसमें दो या तीन बार भी प्री बोर्ड हो रखे हैं। तो देखो यहाँ पर भी पावर किसके पास है, रिजल्ट कमेटी के पास, कि भैया वो 40 में से कितने नंबर आप लोगों की लगा रही है, इस वो सारा फैसला रिजल्ट कमेटी ने लेना है कि अगर आपके जो जितने प्री बोर्ड हुए उनका एवरेज लगा दें, या फिर उनका जो बेस्ट आपका जो प्री बोर्ड हुआ उसके एवरेज लगा, या फिर उसके मार्क्स लगा दें, ठीक है। लेकिन अगर मान लो तुम्हारा ना तो कोई यूनिट टेस्ट हुआ, ना मिड टर्म हुआ, ना ही प्री बोर्ड हुआ, या फिर मान लो कि तुम्हारा प्री बोर्ड भी हुआ, मिड टर्म भी हुआ, यूनिट टेस्ट भी हुआ, लेकिन तुम पेपर देने गए ही नहीं, ना तुमने कोई यूनिट टेस्ट दिया, ना तुमने कोई मिड टर्म दिया, ना तुमने कोई प्री बोर्ड दिया। हो सकता है भैया बहुत से बच्चे ऐसे थे भैया जिनके पास इंटरनेट नहीं था, या फिर जो उस टाइम पर अपने घरों में नहीं थे, कहीं किसी अपने होम टाउन में थे, तो वो इन तीनों ही प्रकार के पेपर को नहीं दे पाए थे। तो इस सिचुएशन में भाई लोग जो पूरा का पूरा डिसीजन है, ये 7 लोगों की ये जो कमेटी बनी है ना, इनके द्वारा ये डिसीजन लिया जाएगा कि अब आप लोगों के मार्क्स कैसे प्रोवाइड करने हैं। ये लोग अब एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन बनाएंगे, एक क्राइटेरिया अब इन 7 लोगों के द्वारा डिसाइड किया जाएगा कि अब आप लोगों को मार्क्स कैसे प्रोवाइड करने हैं। तो देखो मैं जो समझ रहा हूँ, क्या देखो हो सकता है, हो सकता है कि आपके जो पेपर है ना, आप लोगों को या तो स्कूल में बुला लिया जाए, ठीक है, और आपके हाथों में पेपर पकड़ा दिए जाए और बोल दिया जाए चलो भाई करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। लेकिन स्कूल में तो देखो बुलाने के चांसेस बहुत ही कम है, ज़्यादातर जो चांसेस मुझे लग रहे हैं वो क्या हो सकता है कि आप लोगों का जो एक ऑनलाइन टेस्ट है वो कंडक्ट करवा दिया जाए। हो सकता है कि कोई 20 नंबर का या 50 नंबर का या कोई 100 नंबर का कोई MCQ टेस्ट आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाए और बोल दिया जाए कि चलो भाई इसको सॉल्व करो, तुम लोगों ने पूरे साल भर बहुत मेहनत करी है ना, एग्जाम कैंसिलेशन की बात कर रहे थे, तो चलो भाई अब इनको सॉल्व करो, तुम्हारे पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है, करो ऑनलाइन टेस्ट करो। तो हो सकता है उसके बेसिस पे तुम लोगों को फिर मार्क्स प्रोवाइड कराए जाएँ, या फिर हो सकता है कि काफ़ी सारे बच्चों ने प्री बोर्ड, यूनिट टेस्ट वगैरह सब दिए हों, लेकिन एकाध बच्चे ऐसे हों जिन्होंने पेपर नहीं दिया, जो प्रेजेंट नहीं थे भैया किसी भी पेपर में, तो उस सिचुएशन में टेलीफोनिक एग्जाम भी आप लोगों का हो सकता है। यानी कि आपके जो टीचर हैं वो आपको इंडिविजुअली आपको कॉल करेंगे, आपसे 10-15 सवाल पूछेंगे और उसके बेसिस पे ही आप लोगों को मार्क्स प्रोवाइड कराए जाएं। तो यानी कि ये समझ लो भाई, ये जो 7 लोग हैं ना, पूरी जो पावर है आप लोगों को मार्क्स प्रोवाइड करने की, वो इन 7 लोगों के पास में है। हालांकि इन लोगों के ऊपर भी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन है, ये अपनी मर्जी से आप लोगों को कुछ भी मार्क्स नहीं दे सकते भाई। CBSE ने इनके ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं, ये नहीं ना कि हाँ आपका कोई यूनिट टेस्ट हुआ नहीं और फिर भी इन्होंने ऐसी जबरदस्ती की एक गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी CBSE को कि हाँ भाई हमने इस डेट पे कोई यूनिट टेस्ट लिया था और इसमें बच्चों के इतने इतने मार्क्स आए थे, तो ऐसा ये लोग नहीं कर सकते हैं। भैया ऐसा है ना, जो भी मार्क्स ये लोग आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, जिस भी बेसिस पे प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर एक फुल एक्सप्लेनेशन इन लोगों को CBSE को देनी होगी कि भैया हमने इस क्राइटेरिया के बेसिस पे बच्चों को मार्क्स प्रोवाइड किए हैं। साथ साथ जो यूनिट टेस्ट के जो मार्क्स आप लोगों के लगाए गए हैं, उसका प्रॉपर एक डॉक्यूमेंटेड प्रूफ इन लोगों के पास होना चाहिए। कल को भैया अगर मान लो वेरिफिकेशन के लिए किसी एक स्टूडेंट के मार्क्स अगर का रीज़न पूछ लिया गया कि भैया इस बच्चे को इतने मार्क्स क्यों मिले हैं, तो भैया इनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड प्रूफ होना चाहिए कि हाँ भैया इस बच्चे की इस टेस्ट में इतने मार्क्स आए थे और इसलिए हमने इसको इतने मार्क्स दिए हैं। यानी कि डॉक्यूमेंटेड प्रूफ इन लोगों के पास होना चाहिए। अगर नहीं हुआ और इन्होंने अपनी मर्जी से कुछ भी मार्क्स लगा दिए, तो कल को ये 7 लोग भी भैया फंस सकते हैं यार। तो इसलिए जो भी ये लोग काम करेंगे भैया, ये भी अपना एकदम पक्का काम करने की कोशिश करेंगे। अगर पुराने किसी टेस्ट के मार्क्स अगर आप लोगों के लगा भी रहे, तो हो सकता है बैक डेट में आप लोगों के टेस्ट ले लें, बैक डेट पे कि हाँ भैया पुराना टेस्ट नया दिखा, मतलब आप लोगों का आज एक टेस्ट ले लेंगे उसमें डेट पुरानी डाल देंगे यार। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो देखो ऐसा है ना, पूरी पावर किसके पास है, इन 7 लोगों के पास। अच्छा, अब एक बहुत ही ज़रूरी बात, असेसमेंट स्टैंडर्डाइजेशन, ये जो चीज़ें भाई यहाँ पर ज़रा समझना। कुछ स्कूल देखो ऐसे होते हैं, कुछ स्कूल ऐसे हैं भाई कि देखो 2018 में भी इन्होंने बोर्ड के पेपर बच्चों के लिए, 2019 में भी बोर्ड के पेपर लिया, 2020 में भी इन्होंने बोर्ड के पेपर लिया। इस साल बच्चों के जो मार्क्स आए, एवरेज मार्क्स आए बच्चों के 82%, इस साल बच्चों के जो एवरेज मार्क्स आए वो आए 79%, इस साल बच्चों के जो एवरेज मार्क्स आए वो 80% आ गए। तो
और 2021 में जो क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन के बेसिस पे जो बच्चों को मार्क्स मिल रहे हैं, इन्होंने सभी बच्चों को फुल में से फुल मार्क्स देने स्टार्ट कर दिए। यहाँ दे दिया 93% या फिर बच्चों को दे दिया 95%। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, CBSE बोलेगी भैया आज तक तो तुम लोग के मार्क्स 90 तक नहीं पहुँचे, ये अचानक से बच्चों की एवरेज 95 कैसे पहुँच गई। तो इस सिचुएशन में क्या होगा भैया, इन लोगों की इस सिचुएशन में क्या होगा भाई, जो 7 लोग जो कमेटी बनी थी ना यार, वो लोग फंस जाएंगे कि भैया तुमने इतने ज़्यादा मार्क्स बच्चों को कैसे दे दिए। फिर उस सिचुएशन में भैया वेरिफिकेशन वगैरह स्टार्ट हो सकती है इन लोगों के लिए। तो बच्चों कहने का मतलब यही है कि अगर अचानक से आपके स्कूल में सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स का जो एवरेज है वो 95% आ जाता है, और पास्ट रिकॉर्ड को अगर देखा जाए तो 2018 में बच्चों के मार्क्स का जो एवरेज था वो 82% था, 2019 में 79 था, 2020 में 80% था। तो इस सिचुएशन में माना जाएगा कि भैया बच्चों के जो मार्क्स हैं वो अचानक से 95 तो नहीं पहुंच सकते, यानी कि पक्का स्कूल में कुछ गड़बड़ घोटाला हुआ है और आप लोगों को एक्स्ट्रा मार्क्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं जो कि नहीं होना चाहिए था। तो आप सभी के रियलिस्टिक मार्क्स लाने के लिए CBSE कहती है कि भैया जो आपकी जो पास्ट 3 ईयर का जो रिकॉर्ड है उसमें से जो बेस्ट ईयर है आप उसको सेलेक्ट कर लो, और सभी स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं जो 95% है उनको मॉडरेट कर दो भैया, मॉडरेट कर दो। तो दोस्तों यही बात इन्होंने इस पैराग्राफ में भी बता रखी है कि आपको पास्ट 3 ईयर्स में से जो बेस्ट ईयर था उसको रेफरेंस ईयर मानना है और उसके बेसिस पे मार्क्स प्रोवाइड करने हैं। परफॉर्मेंस ऑफ द स्कूल इन टर्म्स ऑफ द बेस्ट ओवरऑल परफॉर्मेंस इन द प्रीवियस 3 ईयर्स बोर्ड एग्जामिनेशन विल बी taken as the reference for moderating the marks assessed by the school for 2021. For example, if in specific school the overall average of student in 2017-18 is 72%, 2018-19 mein 74% aur 2019-20 mein 71%, the school will use the subject wise average of 2018-19 which are the highest, yani ki in teenon mein jo highest tha, theek hai, तो उसके आसपास ही बच्चों के मार्क्स को लाने की कोशिश करेंगे, यानी कि मॉडरेशन लग जाएगा। यानी कि बच्चों को सबको फुल मार्क्स नहीं दे देंगे, यानी सबको 98 दे दिया, सबको 97 दे दिया, ऐसे नहीं चलेगा भैया। अगर ज़्यादा दे दे भैया तो मॉडरेशन लगाओ। द सेलेक्टेड ईयर विल बी द रेफरेंस ईयर फॉर द स्कूल फॉर ईच सब्जेक्ट। द स्कूल विल हैव टू फॉलो अ ब्रॉड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स विच विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द रेफरेंस ईयर फॉर दैट स्कूल इन द सब्जेक्ट। तो भाई लोग जो पास्ट 3 ईयर थे उसमें जो बेस्ट ईयर है भैया उसके आसपास ही आप लोगों के मार्क्स आप लोगों को मिलेंगे, कोई गड़बड़ इस तरह की नहीं होनी चाहिए। तो ये इस तरह की बातें बेटा यहाँ पर बताई गई हैं। बाकी इस सर्कुलर को अगर आप डिटेल में देखना चाहते हो बेटा तो आप खुद इस सर्कुलर को एक बार ढंग से पढ़ो, और कहीं पर किसी पॉइंट में अगर आप लोगों को दिक्कत आ रही है यार तो कमेंट करके बताना, मैं आप लोगों को रिप्लाई करूंगा कि भैया इस सिचुएशन में क्या हो सकता है यार। ठीक है, किसी भी तरह की दिक्कत आती है तो कमेंट करके बताओ। बाकी मिलेंगे बेटा आप लोगों से सीधा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।